हेलो फ्रेंड्स, इस बार मैं रेसिपी में आपके लिए लाई हूँ आलमंड चेरी ब्राउनी। और देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है, साथ ही इसके ऊपर ये जो थिन क्रस्ट लेयर आई है ये कैसे आएगी ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखते हैं इसको बनाना कैसे है, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगी इसको कट करके। तो यहाँ पर आलमंड चेरी बनाने के लिए मैंने 170 ग्राम मेजरिंग स्केल से नाप के लिया है। यहाँ डार्क कंपाउंड, मैं मॉर्डे का डार्क कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ। तो इस चॉकलेट को हमें करना है मेल्ट, तो मैं डबल बॉयलर पे इसको मेल्ट करके लाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो चुकी है। इसमें अब मैं मिलाऊँगी 1/4 कप भर के घी। आप चाहें तो घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चॉकलेट गरम है तो इसमें हम इसको मिलाएंगे, तो ये अच्छे से देखिए मेल्ट हो गई है। अब इसमें हमें मेजर करके 250 ग्राम मिलाना है कंडेंस मिल्क। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे किचन स्केल। आप अमूल का मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मिठाई मेट यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरा 200 ml का डब्बा है, इसलिए एक और दूसरा मैं आधा यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए 200 ml के डब्बे में 182 ml कंडेंस मिल्क होता है। इन सब चीज़ों की वजह से आपका जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स 250 ml कंडेंस मिल्क मिला लिया है। तो आप भी मेजर करके ही लें। और ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया एकदम स्मूथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घी या बटर है वो अलग अलग हो रहा है या कंडेंस मिल्क भी ठीक से मिक्स नहीं हुआ है, तो आप इसको फिर से एक बार डबल बॉयलर पे मेल्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट मिलाएंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स से पहले इसमें 1/4 कप मैं मिला रही हूँ गुनगुना दूध। आप चाहें तो दूध के बदले पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ड्राई इंग्रीडियंट में हम इसमें मिलाएंगे, ये मैं 200 ml का कप यूज़ कर रही हूँ। तो 1.5 कप लिया है मैंने मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा। और इसके साथ ही इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस। और इन सबको अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करें। अच्छा, आप सोचेंगे कि इसमें मैंने चीनी नहीं मिलाया है क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी थी, इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं मिलाई है। अगर आप चीनी मिलाना चाहते हैं तो आप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी कम कर दें और उसके बदले आप उतना उसमें पाउडर शुगर ऐड कर लें। और इसको हमें थोड़ा सा लम्स फ्री होने तक इस तरीके से फेंट लेना है। इसको ब्लेंडर से ना फेंटें, इसको इसी तरीके से हाथ से ही फेंटें। तो अब ये थोड़ा फिट चुका है। इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारा जो मेन, जिसके नाम पे ये हमारी ब्राउनी है, कुछ कटे हुए आलमंड्स और कुछ ये फ्रोज़न चेरी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स किया है और थोड़ा सा मैंने टॉपिंग के लिए रख लिया है। इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं।
इसको अब हम रखेंगे अब बेक होने के लिए। मैं यहाँ पे 9 इंच का टिन यूज़ कर रही हूँ। आप ऊपर से यहाँ पे जो मैंने टिन लिया है वो सर्कल शेप का है, आप चाहें तो स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। और पार्चमेंट पेपर लगाना उसमें कंपलसरी है, ताकि आपकी जो ब्राउनी उसमें इतना चॉकलेट डला है वो टिन में चिपके ना ईजिली निकल जाए। तो अगर आप सोचेंगे कि डस्ट करके भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस ब्राउनी के बैटर को आप देख सकते हैं कितना थोड़ा ये थिक है, रिबन कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा थिक है। और इसको अब हम पूरा डाल लेंगे हमारे इस टिन में। अगर आप इसकी हाफ रेसिपी बनाएंगे तो फिर आप इसको 7 इंच के टिन में डालेंगे, और अगर आप ये मेरी फुल रेसिपी बनाएंगे तो फिर आपको इसे 9 इंच के टिन में डालना है। जब तक ये बैटर हमारा रेडी हो रहा था तब तक मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट होने के लिए रखा था। और अब हमारा बैटर भी रेडी है और ओवन भी प्रीहीट हो चुका है, तो अब मैं इसको डालूंगी बेक होने के लिए सेम 180 डिग्री के टेम्परेचर पे 25 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारी ब्राउनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 30 मिनट में हमारी ब्राउनी बनके अच्छे से रेडी थी, पर इसके ऊपर ये थिन क्रस्ट लेयर जो है ये नहीं था, इसलिए मैंने इसको 5-6 मिनट के लिए और बेक किया था। और अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये च्यूई वाला ये क्रस्टी लेयर भी आ गया, और अंदर से भी बहुत अच्छे से हमारा जो ब्राउनी है वो बेक हो गया। मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। फिलहाल ये थोड़ा सा गर्म है, तो या तो आप इसका ठंडा होने का वेट करें। और ये इस साइड में मेरा पार्चमेंट पेपर छोटा पड़ गया था, तो इस वजह से यहाँ से थोड़ा सा स्टिक हो गया है। अगर आप पार्चमेंट पेपर यूज़ नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको निकालने में। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी साइड से भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से बेक हुआ है। तो ये देखिए, हमारी साइड की लेयर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट और क्रिस्पी हर टाइप की लेयर इसमें आई हुई है। तो चलिए इसको कट किया जाए। इसको कट करने के लिए आपको कोई स्पेशल चाकू की ज़रूरत नहीं है, आप घर के चाकू से इसको कट कर सकते हैं। ब्राउनी तो कोई भी वैरायटी की आप ब्राउनी बना लें, अगर आप उसको खाएंगे तो आपको प्यार हो जाएगा ब्राउनी से। इसको आप हल्का सा गर्म खाएं या फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद। अच्छा, इसको आप 2 से 3 दिन रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे में। इसको फ्रिज में ना रखें, और अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो फिर इसको खाने से आप आधे घंटे पहले बाहर निकाल लें, ताकि इसके अंदर जो घी या बटर आप जब भी यूज़ करते हैं तो वो जम के सेट हो जाता है, तो आपकी ब्राउनी उससे हार्ड हो जाती है। तो अगर आप फ्रिज में स्टोर करेंगे तो रहेगा ये 1 हफ्ते तक। बस वो ये कि खाने से पहले या तो आप उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लें या फिर आधे घंटे पहले निकाल के रख दें। तो ये देखिए, आपसे बात करते करते यहाँ पे मेरी ब्राउनी भी कट हो चुकी है। तो ये देखिए किस तरीके से हमारी ब्राउनी अच्छे से बेक हो चुकी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। इसके हर बाइट में अब आपको चेरी और आलमंड फील होगा। तो मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।